हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो कि आकृति में ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी के ऊपर स्थित ई एक बिंदु है। अगर ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी है तो दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो चित्र में कि ए बी बराबर है ए सी वाले समद्विभाजक त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा ई के ऊपर सी बी के ऊपर एक ए ई बिंदु है। सी बी के ऊपर ई बिंदु है और वो ए डी परपेंडिकुलर बना रहा है एक, और एक बी सी बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या दिया गया है। हमें दिया गया है बच्चों स्टेटमेंट से ही, यहाँ से लेके मैंने ए बी से लेके यहाँ तक सारा लिखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी के ऊपर स्थित ई एक बिंदु है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी है। तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या दर्शाइए बोला गया, क्या साबित करिए, त्रिभुज साबित करनी है हमने दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या साबित करना है हमने कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो प्रूफ क्या लिखेंगे हम कि सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी है जो वो समद्विभाजक है, समद्विभाजी त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है ये हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज में समान भुजाओं के सन्मुख कोण होते हैं जो वो भी बराबर होते हैं, तो इसीलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। बराबर कौन है, इक्वल एंगल है। ठीक है बच्चों, क्यों इक्वल है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख दूं ये भी बच्चों, त्रिभुज में समान भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज उसके बाद क्या होगा, ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ है, ये सिद्ध किया हमने।
ठीक है बच्चों। तो और इसके अंदर जो दो एंगल हैं कौन कौन से, डी और एफ, 90 के हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए इसमें, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, ऊपर सिद्ध कर दिया हमने कि इक्वल एंगल है ये, ठीक है। और डी और एफ हमें दे ही रखा है कि ये दो दो कोण हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो वो डी और एफ हैं, तो वो भी 90 के हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर इसीलिए ए बी डी समरूप होगी ट्राइंगल किसके, ई सी एफ के। देखो बच्चों दोबारा देख लो कि ए बी सी समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ये इक्वल है तो क्या है, त्रिभुज में समान अनुभुजाओं के सन्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वो बी इक्वल टू सी हो गया। तो फिर दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, एक तो यही एंगल इक्वल हो गया बी इक्वल टू सी, और दूसरा एंगल जो परपेंडिकुलर बन रहा है वहां पे डी इक्वल टू एफ आ रहा है 90 का, ठीक है। तो ये दो एंगल हो गए, तो एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई हमारी यहाँ पे, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम, हमारा सम नंबर 13। तो देखो क्या है स्टेटमेंट, कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के ऊपर डी एक ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु स्थित है कि ए डी सी इक्वल होगी बी ए सी के, ए डी सी इक्वल है बी ए सी के, तो हमने क्या दिखाना है, दिखाइए कि ये है, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के ऊपर बिंदु डी इस तरह स्थित है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद साबित क्या करना है हमने, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे प्रूफ, क्या आएगा देखो, कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में एंगल सी इक्वल टू सी होगा, कॉमन एंगल है वो, सांझा कोण है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, सांझा कोण या कॉमन एंगल भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। और हमें एक गिवन में दिया गया है कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ठीक है बच्चों, ये हमें दिया गया है, इसका रीजन मैं यहाँ लिख रही साइड पे कर रही हूँ, दिया है हमें गिवन, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है, और साथ के साथ स्टेटमेंट ध्यान से सुनो कि क्या है, ये हम अपने माइंड में क्या क्या दिया गया है वो भी हमने यूज करना होता है बच्चों। और दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज ए डी सी के, कैसे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है बच्चों, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जब ये समरूप हो जाएंगी
तो संगत भुजाएं समान अनुपाती हो जाती हैं बच्चों, तो एसी अपॉन डीसी हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। जो इसकी संगत भुजाएं होंगी एसी अपॉन डीसी और बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम रीजन देंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समान अनुपाती हो जाती हैं। और जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी इंटू डीसी हो जाएगा बच्चों। तो यही हमने प्रूफ करना था, देखो एसी स्क्वायर सीबी इंटू सीडी, सिर्फ इनके ये चेंज है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सी डी सी, ठीक है बच्चों। देखो ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू डी सी, और यही हमने प्रूव करना था जो कि हो गया है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करना। Thank you.